हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और आज हम बात करने वाले ऑल न्यू टाटा अल्ट्रॉस 2021 के बारे में। और ये अभी आप अल्ट्रॉस का XE वेरिएंट देख रहे हो जो कि सबसे बेस वेरिएंट है। टोटल पांच वेरिएंट्स में आती है टाटा अल्ट्रॉस, XE, XM, XT, XZ और XZ ऑप्शनल। और अपने सेगमेंट की काफ़ी बेहतरीन और सेफेस्ट कार है टाटा अल्ट्रॉस, बिकॉज इसको ग्लोबल एंड कैप सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, तो सबसे सेफेस्ट कार बन जाती है। और अगर आप इसके सेफ्टी फीचर्स की हम बात कर लें तो इसमें आपको ABS, DVD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, और दो एयरबैग आपको मिल जाते हैं टाटा अल्ट्रॉस में। और इस वाले वेरिएंट में आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलेंगे। और अगर हम कलर ऑप्शन की बात कर लें तो आपको पांच कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, सिल्वर, रेड, स्ट्रीट गोल्ड, ग्रे, वाइट। तो कलर ऑप्शन भी आपके पास काफ़ी बेहतरीन हो जाते हैं। अभी जो आप ये XE वेरिएंट देख रहे हैं, अगर इसके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 5,44,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 6,20,000 का आपको पेट्रोल में पड़ जाता है। अगर आप डीजल की बात करें तो आपको ये 6,99,000 का एक शोरूम पड़ता है, और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 7,93,000 का आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। पूरा फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हो टाटा अल्ट्रॉस का, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और अपने सेगमेंट काफ़ी प्रीमियम हैचबैक कार है टाटा अल्ट्रॉस। और ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है XE वेरिएंट में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल, आपको कोई भी कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा, तो आपको नॉर्मल की मिलती है इस वाले वेरिएंट में। फ्रंट में ऐसा कुछ आपको पूरा ग्रिल मिल जाती है, बीच में आपको टाटा की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है, नीचे क्रोम फिनिश भी दी हुई है जो कि गाड़ी के लुक्स को और भी बेहतरीन बना देती है। तो फ्रंट से आप पूरा देख रहे हो ऐसा कुछ प्रोफाइल मिल जाता है आपको टाटा अल्ट्रॉस XE वेरिएंट में। और पूरा सेटअप आपको ऐसा कुछ मिलता है, यहाँ पे आपको हैलोजन आपको पूरा सेटअप मिल जाता है, और लो बीम और हाई बीम के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं दिया हुआ है, आप एसेसरीज़ के पार्ट में लगवा सकते हैं इसको। और अगर टाटा अल्ट्रॉस के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे अगर बात करें तो आपको इसमें 14 इंच के स्टील लिम्स मिल जाते हैं। अगर आप यही अगर XT वेरिएंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 16 इंच के मिलने लगते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ ओआरएमएस मिल जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, जिसमें टर्न इंडिकेटर वगैरह नहीं है, फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है इसमें, और ये आपको मैनुअली आपको एडजस्ट करना है करना पड़ता है ओआरएम, आपको अंदर कोई कंट्रोल वगैरह नहीं दिया हुआ है। चलिए चलते हैं रियर पोर्शन पे और देखते हैं रियर पोर्शन में आपको क्या क्या मिलता है टाटा अल्ट्रॉस में। तो पूरा प्रोफाइल आपको रियर में ऐसा कुछ मिल जाता है टाटा अल्ट्रॉस के, पीछे से भी काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन लगता है टाटा अल्ट्रॉस का। बिल्ड क्वालिटी आप जो है रियल लाइफ में आपको फील होगी, और पूरा आपको ब्लैक फिनिश और वाइट फिनिश में आपको पूरा रियर मिल जाता है। ऐसे कुछ आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी राउंड शेप में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और इनका थ्रो भी रात में जो है परफॉर्मेंस भी काफ़ी आपको बेहतरीन मिल जाती है। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर आपको कोई भी एंटीना वगैरह नहीं मिलता है, आपको कोई भी एंटीना ऊपर नहीं मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे हाई माउंटेड शॉप लाइट मिल जाती है, और उसके साइड में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है जो कि पीछे से गाड़ी के लुक्स को और भी बेहतरीन बनाते हैं। पीछे आपको कोई भी वाइपर, डिफॉगर, वॉशर आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, अल्ट्रॉस की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप हायर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि आप कंपलसरी हो गए हैं हर गाड़ी में। नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, और पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है जो कि लुक्स को और भी बेहतरीन बना देते हैं टाटा अल्ट्रॉस के। गाड़ी की अगर हम व्हील बेस की बात करें तो 2501 mm आपको व्हील बेस मिल जाता है। कर्व वेट आपको टोटल जो इसमें 1,036 kg का मिलता है, और साइड से कुछ ऐसी दिखती है पूरी गाड़ी। गाड़ी की जो टोटल लेंथ है वो 3.9 meters है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको फ्लूइड मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी है 37 liters की, तो 37 liters फ्यूल आ जाता है गाड़ी में। चलिए बूट खोल के देखते हैं। तो टाटा अल्ट्रॉस में आपको ऐसा कुछ पूरा बूट मिल जाता है जो कि 345 liters का है, तो स्पेस आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। पीछे कोई पार्सल ट्रे वगैरह नहीं दी हुई है पीछे XE वेरिएंट में। अगर आप हायर वेरिएंट जाएंगे तो आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। अगर आप एसेसरीज़ के रूप में लगवाना चाहते हो लगवा सकते हैं। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है टूल किट के साथ में, तो पीछे कुछ ऐसा पूरा स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे। चलिए बूट को बंद करते हैं और चलते हैं पीछे के डोर्स पे। तो आपको पीछे के डोर्स का ओपनर यहाँ पे मिल जाता है सी पिलर में, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ बना देता है टाटा अल्ट्रॉस के। और सारे डोर आपको 90 degrees में ओपन होते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। डुअल टोन कलर में आपको पूरा डोर आपको मिल जाता है, और ऐसे कुछ आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में। नीचे आपको ऐसा कुछ मैनुअल आप विंडो को चढ़ाने के लिए आपको मिल जाता है। नीचे स्पीकर एंड बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है। इस वाले वेरिएंट में आपको कोई स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है, और ऐसा कुछ आपको रियर कंपार्टमेंट पूरा दिया हुआ है टाटा अल्ट्रॉस में। तो ऐसा कुछ आपको पूरा रियर कंपार्टमेंट मिल जाता है, स्पेस काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी में। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं।
तो लेग रूम की बात करें तो गाड़ी का लेग रूम काफ़ी बेहतरीन है, आगे की सीट पूरी पीछे है, तब भी देखिए मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ और लेग रूम काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का। और पीछे आपको कोई इस वाले वेरिएंट में एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, मोबाइल होल्डर आपको मिल जाता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैनल दिया हुआ है। रियर कंपार्टमेंट आपको पूरा ऐसा कुछ मिल जाता है, पीछे आपको पासर ट्रे वगैरह नहीं मिलती है। और आगे की बात करें तो आपको पीछे से ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है टाटा अल्ट्रॉस एक्सी वेरिएंट का, जो कि आप ऐसा कुछ प्रीमियम आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी आप टाटा अल्ट्रॉस में बैठ के देखेंगे तो आपको रियल लाइफ में काफ़ी फील होगी। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं टाटा अल्ट्रॉस में, तो पूरा इंटीरियर आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। बेस्ट इन सेगमेंट हैचबैक कार है टाटा अल्ट्रॉस। चलिए आगे के डोर्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ आपको मिलता है टाटा अल्ट्रॉस में। तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है और बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ऐसा कुछ आपको पूरा डोर मिल जाता है डुअल टोन कलर में, जो कि ये भी 90 डिग्री ओपन होता है। और यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में आपको डोर ओपनर्स मिल जाते हैं। और आगे के दो विंडोज़ के लिए पावर विंडो का यहाँ पे दिए हुए हैं, कंट्रोल्स सारे मिल जाते हैं आपको। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट आप मिल जाती है आपको, और बोतल होल्डर और एम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाता है इस वाले वेरिएंट में। पूरा रियर कंपार्टमेंट सॉरी फ्रंट कंपार्टमेंट ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं आपको टाटा अल्ट्रॉस में, ऐसे कुछ आपको फैब्रिक सीट मिलती हैं, आप रेक्लाइन कर सकते हैं सीट को, हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इधर आपको फील्ड ओपनर मिल जाता है, बूट के लिए सिर्फ आपको पीछे ही मिलता है, आगे कुछ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं। ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है पूरा टाटा अल्ट्रॉस का। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं टाटा अल्ट्रॉस में। तो ऐसा कुछ आपको पूरा जो है डैशबोर्ड मिल जाता है, पूरा इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन डुअल टोन कलर में आपको मिल जाता है, और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी की। चलिए की को लगाते हैं, गाड़ी को करते हैं ऑन, देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है टाटा अल्ट्रॉस में, जिसमें आपको एनालॉग स्पीडो और टैकोमीटर दिया हुआ है, बीच में MID दी हुई है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, और काफ़ी बेहतरीन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इस वाले वेरिएंट में। और ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, जिसमें कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिए, क्योंकि आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। पीछे बीच में आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, इधर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और स्टीयरिंग काफ़ी बेहतरीन है, ग्रिप भी काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है, हज़ार लाइट के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको AC के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। एक्सी वेंट में एक रिदम पैक आता है, इसको आप लेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे कुछ स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है टाटा अल्ट्रॉस में, ऑटोमेटिक में नहीं आती है। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही, यहाँ पे हैंड ब्रेक दी हुई है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, और कुछ स्पेस मिल जाती है जिसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, और काफ़ी बेहतरीन इंटीरियर आपको मिल जाता है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स की बात कर लें तो आपको ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ग्लव बॉक्स में काफ़ी बेहतरीन स्पेस आपको मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं इसमें, कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है आपको इस वाले वेरिएंट में। तो ऐसा कुछ पूरा इंटीरियर दिखता है अंदर से गाड़ी का, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है आपको। डुअल टोन कलर में पूरा इंटीरियर मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है टाटा अल्ट्रॉस में, और विजिबिलिटी भी आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है टाटा अल्ट्रॉस में। आपको 2 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट IR में भी नहीं मिलता है, इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ आपको पूरा इंटीरियर दिया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी को ऑफ करते हैं और चलते हैं गाड़ी के बाहर। अगर टाटा अल्ट्रॉस के इंजन स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर रेवक्ट्रॉन पेट्रोल इंजन जो 1199 CC का होता है, जो 85 BHP की पावर देता है और 113 Nm का टॉर्क देता है, 19 की माइलेज मिल जाती है आपको पेट्रोल में। वही इसमें आपको 1.5 लीटर रेबटॉक डीजल इंजन मिलता है, जो 1497 CC का होता है, जो 89 BHP की पावर देता है और 200 Nm का टॉर्क देता है, 21 की आपको माइलेज मिल जाती है डीजल में। तो ये थी पूरी ओवरऑल आपको टाटा अल्ट्रॉस, कैसी लगी आपको टाटा अल्ट्रॉस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू पुनीत ऑटोमोबाइल्स दुबग्गा लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स, विजिट दिस शोरूम, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको टाटा अल्ट्रॉस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आशीष मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।